हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड योर फ्रेंड। जैसे कि क्रिसमस आ रहा है तो देखिए हम बहुत ही टेस्टी चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स केक बनाने वाले हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि आपको चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स केक कैसा लगा। एक बार आप इसे जरूर बनाइएगा क्योंकि ये इतना टेस्टी है कि आप एक बार इसे बनाएंगे तो हर बार ऐसे ही केक बनाएंगे। फ्रेंड, चॉकलेट ड्राई फ्रूट्स केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए एक ही कटोरी का मेजरमेंट सेट किया। यही कटोरी है, इसी के साइज, इसी के मेजरमेंट से मैंने ये देखिए यहाँ पे डेढ़ कटोरी मैदा लिया हुआ है और इसी कटोरी से एक कटोरी मैंने हल्का गर्म दूध लिया हुआ है, आधा कटोरी कंडेंस मिल्क है और दो चम्मच जो है वो कोको पाउडर है। और मैंने इसी में यूज करने के लिए हमने यहाँ पे चॉकलेट एसेंस लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने केक टिन को ग्रीस कर लेंगे। मैंने केक टिन लिया हुआ है और इसमें मैंने थोड़ा सा एकदम ऑयल लिया है, इसको अच्छे से मैं ग्रीसिंग कर लूंगी। आप चाहे तो इसमें मैदे की डाल करके डस्टिंग भी कर सकते हैं या फिर आपके पास बटर पेपर है तो बटर पेपर भी लगा सकते हैं। मैं इसे ऐसे ही यूज करूंगी, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैं माइक्रोवेव में क्योंकि बना रही हूँ। तो चलिए हमारा केक टिन तैयार हो गया है। चलिए फ्रेंड, केक टिन तैयार हो गया है तो अब हम क्या करेंगे, सबको मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, देखिए मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, एक बड़ा बाउल लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें मैदा डाल दूंगी, पाउडर भी डाल देंगे और मैं इसमें बेकिंग पाउडर डालूंगी। ये देखिए ये जो मेजरिंग वाला स्पून होता है इसे मैं ये वाले डेढ़ चम्मच में इसे बेकिंग पाउडर डालूंगी क्योंकि हमने डेढ़ कटोरी मैदा लिया हुआ है। तो इसको एकदम बराबर कर रखना है, एकदम भरा हुआ ऊपर तक नहीं होना है। तो देखिए मैं इसमें से डेढ़ चम्मच जो है ये बेकिंग पाउडर डालूंगी, 1/4 स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। सबसे छोटा वाला ये 1/4 का है तो मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी। इसे भी एकदम बराबर ही ऐसे रखना है, ओवर ऊपर तक नहीं होना चाहिए। और इनको हम 2 से 3 बार छान लेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए। फ्रेंड देखिए 2 से 3 बार मैंने इसे अच्छे से छान लिया, उसे क्या है कि सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब मैंने एक दूसरा बड़ा बर्तन लिया हुआ है, आप कोई भी मिक्सिंग बाउल ले सकते हैं। अब मैं इसमें 3 चम्मच ये देखिए जो रेगुलर चम्मच हम यूज करते हैं इसे बटर डालूंगी। ये 3 चम्मच आप 1/4 कटोरी में यदि करेंगे तो कटोरी से 1/4 कटोरी ही आएगा, मैं अभी डायरेक्ट स्पून से ही डाल रही हूँ। बटर एकदम मेल्ट नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, एकदम लिक्विड में नहीं होना चाहिए। तो देखिए मैंने इसमें 3 चम्मच बटर डाल दिया, ये अमूल बटर है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, बटर को थोड़ा सा मिक्स कर दूंगी। अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें एसेंस डालूंगी, चॉकलेट एसेंस है, इसकी 5 से 6 ड्रॉप मैं इसमें डाल दूंगी। फिर से हमको इसको थोड़ा मिक्स करना है। मैंने यहाँ पे 1/2 कटोरी पिसी हुई शुगर ली हुई है, मैंने इसमें 1/2 ही कटोरी लिया हुआ है क्योंकि क्या है कि कंडेंस मिल्क भी मीठा होता है, जिससे ज्यादा शुगर डालेंगे तो फिर हमारा केक बहुत ज्यादा मीठा हो जाएगा, थोड़ा सा चिपचिपा भी हो जाता है। फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, 2 से 3 मिनट फिर आप ये सबको अच्छे से मिक्स करिए। फ्रेंड देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, मैंने माइक्रोवेव को भी 5 मिनट के लिए प्रीहीट होने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा केक बैटर तैयार होगा तब तक हमारा माइक्रोवेव भी प्रीहीट हो जाएगा। आप चाहे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं यदि आपके पास माइक्रोवेव नहीं है। अब मैं इसमें थोड़ा सा अभी 1/2 कटोरी दूध इसमें जो है डाल दूंगी, बाकी का दूध हम बाद में डालेंगे। क्या है मैदा भी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ये लिक्विड फॉर्म में यहाँ होएगा तभी अच्छे से वो मिक्स होएगा। देखिए मैंने इसमें अभी 1/2 दूध डाल दिया है, अच्छे से इसको भी मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालूंगी, एक साथ पूरा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है और फिर मिक्स कर देना है। बहुत तेज इसको मिक्स नहीं करना है, हल्के हाथों से मिक्स करना है। दो दो चम्मच आप डालते जाइए और इसको मिक्स करेंगे, ऐसे भी मिक्स करना है और ऐसे कट एंड
मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे राउंड कर लें और बीच से ऐसे कट कर देना है। इस तरीके से पूरा इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए पूरा डाल देती हूँ। आप देख रहे होंगे हमारा बैटर देखिए कितना गाढ़ा हो गया है अभी। तो अब मैं इसमें ये जो बचा हुआ हमारा कटोरी का दूध है वो भी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करूंगी। एक साथ पूरा नहीं डाल दूंगी, थोड़ा थोड़ा करके हम इसको डालेंगे और मिक्स करेंगे। इस तरीके से इसको मिक्स करना है फ्रेंड। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पॉन्जी बनता है। और एक बार आप ये बनाएंगे तो आप कोई और नॉर्मल केक बनाना भूल जाएंगे। सब कंडेंस मिल्क से ही बनाएंगे आप, ना दही ना अंडा कुछ भी यूज नहीं करेंगे। ये बहुत ही इजी है और एनी टाइम आप बना सकते हैं। ना आपको फ्रेश दही जमाने की जरूरत है, ना आपको एग की जरूरत है। तो बस देखिए ऐसे मिक्स करना है इसको। ये जो बचा हुआ दूध है वो भी मैं डाल देती हूँ और फिर से एक बार इसको मिक्स कर दूँ। फ्रेंड ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा बैटर। ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना एकदम पतला होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके का होना चाहिए। अब मैं इसमें 1.5 चम्मच विनेगर डालूंगी, क्योंकि मैंने 1.5 कटोरी मैदे का बनाया है इसलिए मैं इसमें 1.5 चम्मच विनेगर डाल रही हूँ। ये देखिए मैं इसके ढक्कन से ही डाल दे रही हूँ। एक और ये आधा, देखिए ये प्लेन विनेगर है, इसका कोई फ्लेवर नहीं होता है। बस इसको फिर हल्के हाथ से हमको मिक्स करना है और केक टिन में डाल के माइक्रोवेव में हम डाल देंगे। आप अपना कढ़ाई में अगर बना रहे हैं तो आप कढ़ाई को प्रीहीट करिए और फिर उसमें डाल दीजिए। ये देखिए ये अभी से फ्लफी हो गया है। तो अब मैं इसको केक टिन में डाल देती हूँ। देखिए मैं इसको पूरा केक टिन में डाल देती हूँ। अच्छे से पूरा पोंछ के पूरा बैटर निकाल लेना है ताकि बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और इसको थोड़ा सा हम रखने से पहले ऐसे टैप करेंगे, उससे क्या है कि इसमें जो बबल्स चले गए होते हैं वो सब निकल जाते हैं। इसको अच्छे से 4 से 5 बार ऐसे टैप करना है। इसको अच्छे से हमने पूरा टैप कर लिया। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। बस जो ड्राई फ्रूट्स हो, चेरी हो, आप डाल सकते हैं। अब क्योंकि हम ड्राई फ्रूट्स चॉकलेट केक बना रहे हैं तो हम ढेर सारा इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्रेंड ये केक ऐसा है कि ये बिना आइसिंग के ही अच्छा लगता है। इसमें आप बिना क्रीम के आप इसको नॉर्मल बना के खा सकते हैं। तो देखिए ये सारा ड्राई फ्रूट्स हमने डाल दिया है। अब मैं इसको माइक्रोवेव में डाल देती हूँ। फ्रेंड देखिए मैंने केक टिन को माइक्रोवेव के अंदर डाल दिया है। अब मैं इसका टाइमर सेट कर देती हूँ। केक हम कन्वेंशन मोड में बनाएंगे। तो ये देखिए मैंने कन्वेंशन मोड ऑन कर दिया है। इसको 2 बार दबाऊंगी तो ये 180 में आ जाएगा। ये देखिए 180 में हो गया। हम मैं इसको अभी 40 मिनट्स के लिए रख रही हूँ। ये देखिए 40 मिनट्स है और हम इसे ऑन कर देंगे। 30 मिनट्स के बाद हम थोड़ा इसको चेक कर लेंगे ताकि पक गया है तो हम इसको 40 मिनट्स के पहले ही बंद कर देंगे। तो चलिए अब केक बनने देते हैं। देखिए हमारा केक कितना अच्छा फूला है, आप देख रहे होंगे पूरा एकदम ऊपर तक आ गया है फूल के। और 9 मिनट अपना टाइम बचा है, हमने 40 मिनट लगाया था। तो अब मैं इसको स्टॉप करके और एक बार चेक कर लूंगी कि पक गया है कि और पकाना है। तो मैं इसको स्टॉप करके चेक करती हूँ। फ्रेंड देखिए केक हमारा कितना अच्छा फूला है, एकदम सॉफ्ट है। तो मैं ये देखिए मैं इसमें ये ऐसे सलाई वाली स्टिक डाल के चेक कर रही हूँ। देखिए अभी थोड़ा गीला आ रहा है इसलिए हम इसको वापस डाल देंगे और पूरा 40 मिनट्स हम होने देंगे, इसको बेक होने देंगे पूरा 40 मिनट्स। तो वापस मैं इसको चालू कर देती हूँ। ये देखिए 8 मिनट टाइम बचा है तो वापस मैंने स्टार्ट कर दिया है।
देखिए हमारा केक बन गया है। अब ये बहुत गर्म है, मैं एक बार सलाई डाल के आपको दिखाती हूँ। देखिए यदि ये क्लीन आ गई, देखिए कितनी अच्छे से क्लीन बाहर आ गई है, यानी कि हमारा केक अच्छे से पक गया था। अब हम इसको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, इसके बाद ही हम कट करेंगे। अभी ये बहुत गर्म होता है, अभी काटेंगे तो ये टूटने लगेगा। तो अब आप इसको ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ही आप इसको कट करिएगा।